तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो का टावर कैसे लगवाएंगे। अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है या आपके पास मकान है तो आप बहुत ही आसानी से जियो का टावर लगवा सकते हैं। टावर की बात करें तो इसमें दो टाइप के टावर होते हैं, एक तो स्मॉल टावर होती है और एक बड़ा वाला टावर होता है। स्मॉल टावर छोटा वाला टावर जो होता है उसका रेंट कम होता है, कम दिया जाता है जो भी लगवाता है उसको, और बड़ा वाला टावर के लिए उसको पैसा ज़्यादा दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हुए हैं जहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर हमें लगवाएं दीजिए, तो मैं बहुत सारे ऐसे जो को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो फिर वहाँ से जो बोला कि आप वहाँ से कंपनी की तरफ से आदमी आएगा, वो उसको इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करने के बाद तो उसको लगेगा कि नहीं सब कुछ सही है, तो वो आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि एरिया के हिसाब से आपको डिपेंड बताएगा कि ये आपको रेंट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो सिंपली अगर आपके और कंपनी के बीच में बात होती है तो आप ही दोनों के बीच में बात होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। और आपको अगर स्मॉल वाला टावर लगवा रहा है जियो का, तो आपको 3500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और आपको 15 साल का एग्रीमेंट बनेगा और हर 1 साल पे आपको 10% पर आप एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। तो आपको अगर जियो का टावर लगवाना है तो किस तरीके से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताऊँगा किस तरीके से आप जियो का टावर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद वहाँ से आदमी आता है और अगर सब कुछ सही हो जाता है और आपको इंस्पेक्शन करता है नहीं ये अच्छा जगह इस टावर लगना चाहिए, तो आपको यहाँ पर टावर लगा देगा, आपको 15 साल के लिए एग्रीमेंट बनेगा जो हर साल पर आपको 10% आपको कमीशन देगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन करेंगे और ब्राउजर में आपको टाइपिंग कर देना है जियो टावर ऑनलाइन अप्लाई, तो आपको कुछ इस तरीके से जो पेज ओपन होकर आ जाएगी, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि जियो नेटवर्क पार्टनर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से ये पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपके पास प्लॉट है या बिल्डिंग है। अगर आपके पास बिल्डिंग है तो टावर लगाने के चांस ज़्यादा बन जाती है, अगर आपको प्लॉट है तो उसमें चांस जो हो रहा था बहुत कम रहती है। तो अगर आपके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाले से क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली अगर यहाँ टर्म एग्री का अगर नहीं होगा एग्री कर लीजिएगा, यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो लोकेशन देनी होगी कि आपके प्लॉट या बिल्डिंग है तो वो कहाँ पे है, तो मैं इसके लिए आप मैं दो तरीके बताने वाला हूँ जो जिससे आप फाइंड कर पाएंगे कि आपका बिल्डिंग और या लोकेशन कहाँ पे है। पहला तरीका तो यह है कि हम इस तरीके से इसको ले आके जहाँ भी आपका बिल्डिंग है तो वहाँ पर अपने इसको ले आके जैसे भी जहाँ भी है तो वहाँ पर ले आके हमको इसको छोड़ देना है। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आपका जो लोकेशन है या बिल्डिंग है तो वहाँ का आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, तो इस तरीके से डालने का सिंपली इसको सर्च कर देना है, यहाँ कन्फर्म कर दीजिएगा तो जहाँ भी होगा तो वैसे वहाँ पर आपका ये प्लॉट पर ये जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चल जाएगा। तो जहाँ भी होगा अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है, अगर जहाँ भी होगा तो अपने बिल्डिंग पर इसे ले आके वहाँ पर उसको रख देना है और इस बार यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेट कर दिया गया है और OTP आप यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट पे ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको WhatsApp इनेबल कर देना है जिससे आपको WhatsApp के थ्रू आपको भी जो भी मैसेज वो देते रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि प्रॉपर्टी का ऑनर क्या है, आप है या कोई अदर है, जिस जो भी हो तो यहाँ पर कोई और दूसरा है तो यहाँ पर इसको टिक कर देना है। अगर आप ही हो तो सेल वाले पर टिक रहने देंगे, अगर आप है तो आप अपना पूरा नाम यहाँ डालेंगे जो भी रजिस्टर में लिखा हुआ है, अगर कोई दूसरा है तो यहाँ पर क्लिक करके उस पर्सन के यहाँ पर आप नाम डालेंगे, इस पर यहाँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ठीक है, जो भी रजिस्टर में लिखा हुआ है। जैसे मैं खुद हूँ तो यहाँ सेल पर ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ फ्लैट नंबर हाउस नंबर डाल देना है, यहाँ बिल्डिंग कंपनी एग्रीमेंट जो भी डाल देना है, यहाँ एरिया कॉलोनी लोकेलिटी विलेज गांव जो भी है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट है टाउन डिस्ट्रिक्ट को डाल देना है, पिन कोड यहाँ डालना है, अगर कोई आप जगह पर अगल बगल के हाईलाइट जगह वो डाल वहाँ यहाँ पर डाल देना है।
डालने के बाद यहाँ सिंपली कर देना है नेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पे बिल्डिंग डाले थे वहाँ पे, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितने हैं, जितना भी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लोर डाल देना। चलिए मेरा 3 तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। यहाँ से पूछ रहा है कि आपके बिल्डिंग की एज कितनी है, तो जो भी बिल्डिंग की एज है तो वह यहाँ पर आपको डाल देना। चलिए यहाँ पर डालते मल्टीपल बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग का एज क्या है, जो भी है यहाँ से डालते हैं 0 से 5 ईयर। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग की टाइप क्या है, तो जो भी है तो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ मल्टीपल बिल्डिंग या सिंगल बिल्डिंग। मैं जैसे यहाँ सेल्डिंग सिंगल बिल्डिंग डाल देता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ पे पहले से कोई और ऑपरेटर का टावर इंस्टॉल है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद सिंपल यहाँ कन्फर्म पर ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं कि आपका जो भी है सक्सेसफुली यहाँ पे कम्प्लीट जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी देख रहे हैं आपको यहाँ पे दे दी गई है, और साथ ही आप देख रहे हैं कि आपका जो भी लोकेशन है यहाँ पे पूरी लोकेशन यहाँ पे आ गई है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्लेमर दिया गया है कि प्रॉपर्टी के ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेंड किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टावर लगवाने की पूरी गारंटी यहाँ पे हो गई है, बल्कि कंपनी इंस्पेक्शन करेगी, सब कुछ चेक करेगी। इसके बाद कंपनी को अगर सही लगता है तभी टावर लगवाया जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि जो कंपनी से जो भी टीम आएगी वो आपसे पैसा नहीं लेगी, तो आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आपको जमा नहीं करनी है। तो इस तरीके से ध्यान रखेगा कि कंपनी आपको टावर लगाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती है। अगर कोई पैसा मांगता है तो समझिए बिचौलिया है, आपको पैसा तानने के लिए आया हुआ है। सो गाइस, इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो जियो टावर के लिए लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर आप टावर लगवा रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी आपसे पैसा मांग रही कि हम टावर लगवा देते हैं, तो समझ जाइए वो फ्रॉड है, क्योंकि टावर लगवाने के लिए कोई भी कंपनी आपसे पैसा नहीं मांगती है कि हम आपके टावर लगाएंगे हमें पैसा दीजिए। तो आप समझ जाइए कि अगर कोई मांग रहा है कि हम टावर लगाएंगे हमें पैसा दीजिए, तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।